नमस्कार, असम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सीता कुमार और देखे असम। आज हम हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर तेज बहादुर यादव जी आए हैं धरना प्रदर्शन पर, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि इन्हें आज धरना प्रदर्शन में आए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, आपको सन 2016 का मामला याद होगा, उस समय उरी हमला भी हुआ था और काफ़ी इस तरह के हमले हो रहे थे लगातार। तो ये जो जवान हैं, आर्मी से हैं, ये चंदू चौहान आरआर में थे वहाँ पर। उस टाइम मेरी भी ड्यूटी वहीं थी 2016 में ही, क्योंकि मैं 2017 में बर्खास्त हुआ था। तो जब आए दिन ऐसे हमले हो रहे थे, तो ये युवा थे, इनकी नौकरी मात्र 4-5 साल ही रही होगी उस टाइम पर, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने ना आओ देखा ना ताव, और गुस्से में आके इन्होंने अपना राइफल लिया और पाकिस्तान की जो सामने पोस्ट थी दौड़ पड़े कि या तो मर जाऊंगा या मार दूँ। मैं तो कहता हूं कि सामने मौत खड़ी है और फिर भी जवान इतने, क्योंकि अपने दोस्त साथी जवानों की जो शहादत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ चले गए थे। 3 महीने कुछ दिन के बाद में जब ये पाकिस्तान से रिटर्न आए, बाघा बॉर्डर के माध्यम से रिटर्न भेजा गया, तो पूरे देश ने इनकी दुआएँ मांगी थी। बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम में लोगों ने जो दोनों ने सम्मानित किया था कि चंदू चौहान जिंदाबाद। लेकिन वहीं डिपार्टमेंट ने, जो हमारी आर्मी ने इसके साथ जो किया, बर्ताव किया, इनको 90 दिन का जेल, उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल भेजना, और ना इनको आई कार्ड इशू करना, बार बार टॉर्चर करते हैं, यातनाएँ दे रहे हैं। वैसे भी बचपन में इनके माता पिता गुजर गए थे, जब ये पाकिस्तान गए तो इनकी नानी जी जो इनको पाला पोसा वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जवान को इस तरह टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, मैं तो नहीं मानता कि सही है, बहुत गलत है। ये दुर्भाग्य देखिए, तो ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो मैं भी एक जवान होने के नाते इनके सहयोग में आया, और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि एक तो आप जवानों के साथ दिखावा करते हो, टीम दीपावली मनाते हो, और एक वही चंदू चौहान है जिसको आप जानते हैं, उन्होंने खुद चंदू चौहान के बारे में उस समय बोला था, जिस चंदू चौहान आज एक आमरण अनशन पे बैठा है, इसको न्याय कब मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके साथ आज तेज बहादुर जी के समर्थन में हैं, धरना प्रदर्शन में आ पाए, तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मैम, इंसाफ मिलना चाहिए, बाकी वो इंसाफ नहीं देते वो उनकी बात है, पर मेरी हक के लिए लड़ाई में लड़ता रहूँगा, क्योंकि मेरे को अपमानित किया गया। किसी सोल्जर को अपमानित होना ये अपने आप के बुजदली है। मैं अपमानित की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, इसीलिए आज मुझे नायक बिलाजन अमरण उपोषण के लिए दिल्ली पर आना पड़ा। बड़ी दुख की बात है। इसका कारण ये है कि मैं पाकिस्तान में गया था 29 सितंबर 2016, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस दिन पाकिस्तान में मैंने सजा काटी। मेरे लिए 1 मिनट 1 साल के बराबर था, ये देश के लिए मेरे दूर रहा। आप एक दिन गांव में, कहीं दूसरे गांव में जाते हो, आपका दिल नहीं लगता है। मैं तो अपने देश से दूर था। मेरी नानी ने अपने लिए, मेरे लिए जब मेरी बात सुनी, नानी भी गुजर गई उस सग में से, अगर मैं ऐसे ही सोचता तो मैं फौज में आता ही नहीं। मेरे में भावना थी देश के प्रति, तभी मैंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। गले में शिवाजी महाराज, उनकी प्रेरणा लेके, और हमारे जो जवान मारे जा रहे उड़ी में, तब से स्टेटमेंट ही चल रही थी कि ऐसे होगा वैसे होगा, पर मेरे में नहीं रहा गया। मैंने में 180 राउंड लेके मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था सबके सामने, पर मुझे डॉक्यूमेंट में कई लगे, बाकी चीज़ें में जांच में पता चली जाएगा। पर मैं जब पाकिस्तान में सबके सामने गया, तब मेरे घर में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी कि चंदू घर पर आया। अधिकारियों की तरफ से बहुत कुछ दबे, बाकी चीज़ें दबाई गई, जैसे कि आई कार्ड नहीं देना। मेरा पर्सनल मोबाइल था, उसमें रिकॉर्डिंग थी बॉर्डर क्रॉस करते टाइम, वो मोबाइल भी मुझे आज तक नहीं दिया गया, बल्कि अलग अलग जवाब दिए गए। मैंने RTI डाले थे, बहुत कुछ कार्रवाई किया, नहीं मिला। और 89 डेज़ के बाद मुझे सज़ा मिलने के बाद मैंने सज़ा भी भुगत ली। क्या मैंने बॉर्डर क्रॉस किया देश के लिए, मैंने बॉर्डर क्रॉस करना बदला लेने के लिए जाना है गलत है, तो मैंने उसके लिए सज़ा भी की, सज़ा भी ली। सज़ा लेने के बाद अहमदनगर में पोस्टिंग था, वहाँ पर मैं प्रताड़ित होता चला गया, जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना। अधिकारी के पास उतना पावर दिया गया है, 90 जवान होते हैं एक यूनिट में, एक कमांडिंग अफसर चाहे तो उसको कैसे भी डील कर सकता है, कैसे भी कुछ भी कर सकता है, इतना पावर उनको दिया गया है। 1924 में जो रूल बने अंग्रेज़ों के, वही रूल आज तक चल रहे सेना में। जैसे कि मान लो अभी एक तेज बहादुर सर का ही आप उदाहरण ले लो, कि उन्होंने खाने का रिपोर्ट किया था, सभी बोल रहे थे सोशल मीडिया, ठीक है सोशल मीडिया उन्होंने यूज़ किया गलत है, पर अभी महेंद्र सिंह धोनी एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, उसको तो सेलिब्रिटी है, उसके लिए तो आप यूनिट में जाते हो, सब कुछ फायरिंग कर रहा है, वो कर रहा है, तब सिक्योरिटी कहाँ गई? ये सवाल बड़ा डिपिकली, आप सोचोगे तो बहुत कुछ है, आप सामान्य नागरिक को भी पूछोगे वो भी आंसर पूछेगा। तो मैं, बहुत से सवाल है ऐसे मेरे दिल में, पर मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरी औकात सिर्फ एक सिपाही है। सिपाही जितना सिपाही की सोच होती है, उतना देश में कोई सोच नहीं सकता।
क्योंकि सिपाही है देश के लिए मरता है। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, मेरे देश ने मुझे लाया, मुझे गर्व है। मैं देश के लिए मेरे पूरे बॉडी का पार्ट भी डोनेट करने के लिए मैं मंजूर हूँ, और मैं बॉडी का पार्ट भी डोनेट करूँगा, ये भी मैंने कहा है। जो मेरे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ उसमें तब भी कहा था मैंने, जब भी लड़ाई होगी सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी दिया जाए। पर उसके बाद मुझे ऐसे नहीं लगा कि मेरे साथ ऐसे व्यवहार होगा, इसीलिए मैं आज अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अमर उपोषण के लिए बैठा था, पर कई चीज़ों से मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ इधर भी, जो मैं बताना नहीं चाहता पर पता चले जाएगा आपको। जो कि अभी मेरा अनशन का ये था, बोला ये परमिशन नहीं है, ऐसे फेंक दिया। मैं ठीक है फेंक दिया, कोई बात नहीं, आप मार तो सकते नहीं है ना, मार भी सकते तो वो भी लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं हक के लिए लड़ा रहा हूँ। मैं झूठाई लड़ाई तो नहीं लड़ रहा हूँ। आज तेज बहादुर सर आए, ऐसे कई जवान हैं, उनको सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं ऐसी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे सुभाष भामरे, उनकी बदौलत है मैं जिंदा यहाँ आऊँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, नहीं तो मुझे मेरे घर पे फ़ोन नहीं आता कि चंदू घर पे आया, सबके सामने गया तो घर पे कैसे फ़ोन कर सकते। पर मेरे डिस्ट्रिक्ट के सुभाष भामरे थे, इसी की बदौलत हूँ मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं मर जाता अभी तक, कोई एक्सेप्ट भी नहीं होता। कई चीज़ें इसके पीछे, पाकिस्तान में जिसने न्यूज़ छपा उसको भी अरेस्ट किया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट में। ऐसी कई बातें जो सिक्योरिटी के लिहाज से मैं बोलूँगा नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जाँच निष्पक्ष हो और सिविल से हो, और सुप्रीम कोर्ट में केस चले। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हाईकोर्ट में वकील में लड़ सकूँ, मेरे पास, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा 5-6 महीने से तनख्वाह भी नहीं दिया। ऐसे कई प्रताड़ित हूँ मैं इन चीज़ों से। अतुल बहादुर जी, आपसे एक सवाल है, आप काफ़ी जाने माने चेहरे हैं आपका और नाम भी है, आपने कई इलेक्शन में कई पार्टियों का समर्थन भी किया है, इलेक्शन में अभी जो गए हैं, तो आपने कई पार्टियों के समर्थन के बाद उन्हें छोड़ क्यों दिया? देखो, हमारी लड़ाई विचारों की है। जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन किया, तो जेजेपी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी तो बीजेपी के खिलाफ जो आग उगल रही थी, ऐसा क्या हुआ कि जब आपको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी और आप सब वादे भूल गए, आपने जनता को जो आपको वोट दिया, आपको 10 सीट दिया, उन सब चीज़ों को आप भूल के उस झोली में बैठ गए, और जैसे ही समर्थन देते अपने पिताजी को जेल से बाहर निकाल लेते। तो देश का दुर्भाग्य, तो ऐसे गद्दारों के साथ मैं नहीं बैठ सकता। राजनीतिक करियर चाहे कोई भी पार्टी हो, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जो पार्टियाँ गलत करेंगी मैं उसका साथ नहीं, चाहे वो मुझे कोई भी पद दे दे, लेकिन मैं उस पद को उसी तुरंत छोड़ दूंगा। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आप भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे तो आपका मेरा मेल कहाँ हो सकता है? अगर आप चुनाव पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप क्या बदलाव लाएंगे समाज में? देखो, आम नागरिक की जो चीज़ जो चाहिए, जब तक इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी हर व्यक्ति को मुफ्त नहीं मिलती, तब तक ये देश में आज़ाद नहीं होगा। क्योंकि जो आम मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति की ये हैं, जब तक इस देश के अंदर ये सब चीज़ें हर व्यक्ति को मुहैया नहीं कराई जाती, मैं देश को आज़ाद नहीं मानता हूँ, मेरे ही अपने विचार। और हमारी यही लड़ाई है कि हर गरीब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी मुफ्त पहुँचे, यही मेरा अपना संकल्प है और इसी के लिए लड़ाई। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।